गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेट्सेल हिंदी हाई स्कूल में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 2, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हमने पहले लेक्चर में देखा था कि प्रतिबल के प्रकार कितने होते हैं। उसमें हमने पहला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके दो सब प्रतिबल, तन्नन प्रतिबल तथा संपीड़न प्रतिबल के बारे में सीखा था। आइए बच्चों, आज हम उसके दूसरे प्रकार जैसे कि आयतन प्रतिबल तथा स्पर्शीय प्रतिबल के बारे में सीखते हैं। देखिए बच्चों, आयतन प्रतिबल क्या होता है, तो इसको जलीय प्रतिबल भी कहते हैं। जब अधिक दाब के किसी द्रव्य में अंदर एक ठोस गोला रखा जाता है तो वह सभी ओर से संपीड़ित हो जाता है। मतलब यदि हम किसी ठोस गोले को पानी में डुबाते हैं तो उसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी का दबाव लगता है। इससे आकृति में बिना परिवर्तन के ही आयतन में कमी आ जाती है। मतलब उसका आकार नहीं बदलता है लेकिन उसके आयतन में क्या होता है, कमी आती है। पदार्थ के अंदर आंतरिक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है जो द्रव्य द्वारा लगाए गए बलों के बराबर तथा विरुद्ध दिशा में होता है। पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। यह ठोस, द्रव्य तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब जो जलीय प्रतिबल है अथवा आयतन प्रतिबल है, ये तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, जैसे ठोस है, द्रव्य है तथा गैस, सभी अवस्थाओं में ये मिलता है, अवेलेबल होता है। इस अवस्था में यदि बल समान रूप से ना लगाया जाए तो आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। मतलब चारों दिशाओं में से यदि समान बल नहीं लग रहा हो, किसी एक दिशा में बाह्य बल कम हो, तो बाकी के तीन दिशा के कारण उसका आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा बल है स्पर्शीय बल। यदि दो बराबर और विरोधी विपरीत बल बेलन के अनुरूप पृष्ठ परिच्छेद के समांतर लगाए जाएं तो बेलन के सम्मुख फलकों के बीच सापेक्ष विस्थापन होता है। देखिए बच्चों, ये तीनों बलों की मैं आपको आकृति तथा उदाहरण भी दिखा देता हूँ, जिसके कारण से आपको जल्दी से स्पष्टता से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। देखिए बच्चों, ये जो तीनों प्रतिबल हमने समझाए, उसी तीनों प्रतिबल के कुछ उदाहरण दिए हैं। देखिए, पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। देखिए, लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे मूल लंबाई एल है तथा होने वाला परिवर्तन कितना है, एल प्लस डेल्टा एल है। उसी प्रकार से आयतन प्रतिबल, जिसमें अभी बताया था ना बच्चों, ये चारों दिशाओं में से यदि समान बल लगता है तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता लेकिन आयतन में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से स्पर्शीय प्रतिबल, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक बेलनाकार लिया है जहाँ पर हम दोनों अनुप्रस्थ परिच्छेद पर समांतर बल लगा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसके सम्मुख फल मतलब जो दो पलकों के बीच में क्या आ रहा है, परिवर्तन। इसमें थीटा क्या बता रहा है, परिवर्तन बराबर तथा डेल्टा एक्स पे क्या बता रहा है, विस्थापन, मतलब दोनों फलकों में कितना अंतर तय हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ख्याल आया आपको, उदाहरण देखकर तो ख्याल आ गया होगा कि तीनों प्रकार के बल किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकृति। देखिए, विकृति क्या होती है, कि बाह्य बलों के कारण किसी वस्तु की प्रति एकांक विमा में परिवर्तन को विकृति कहते हैं। मतलब बाह्य बल लगने के कारण उसके आकार, लंबाई, किसी भी प्रकार की परिवर्तन उसमें आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। तो देखिए, विकृति का सूत्र क्या होता है, विकृति बराबर वस्तु की एक विमा में परिवर्तन तथा वस्तु के प्रारंभिक विमा। मतलब प्रारंभिक जो राशि है, यदि उसमें परिवर्तन की राशि से भाग दे दिया जाए तो उसकी विकृति के बारे में हम जान सकते हैं कि कितनी विकृति उसमें होगी। इसका कोई मात्रक नहीं होता तथा यह विमाहीन राशि है। देखिए बच्चों, प्रतिबल के तरह ही विकृति के भी तीन प्रकार होते हैं। पहली है अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी है आयतन विकृति तथा तीसरी है अपरूपण विकृति। ठीक है बच्चों, देखिए अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, कि बाह्य बल के कारण किसी पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर डेल्टा एल बाय एल। इसी प्रकार से आयतन विकृति होती है। देखिए, आयतन विकृति में क्या है, कि बाह्य बल के कारण किसी पदार्थ के आयतन में होने वाला परिवर्तन तथा उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं, आयतन विकृति बराबर डेल्टा वी अपॉन वी। तो इसमें डेल्टा वी क्या है,
आयतन में होने वाला जो परिवर्तन है बाह्यबल के कारण तथा अपॉन में जो वी है वह क्या है, वस्तु की प्रारंभिक विमा है, मतलब जो आकार पहले उसका था। अपरूपण विकृति, अब देखिए बच्चों अपरूपण विकृति क्या होती है, तो बाह्य बल के कारण दो फलकों के सापेक्ष विस्थापन, मतलब जो भी दोनों के बीच में थीटा बनता है तो उसके कारण विस्थापन ख्याल आ जाता है, तो वह क्या है, तथा मुख्य लंबाई के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं। तो अपरूपण विकृति को किस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय एल, और इसके बराबर हम क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। यदि विस्थापन छोटा हो तो हम टेन थीटा को क्या गिन सकते हैं, थीटा। तो इस प्रकार से विकृति के तीन प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। और ये तीनों प्रकार के जो बाह्य बल होते हैं, बराबर बच्चों, जो भी हमारे बाह्य बल होते हैं उसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल तथा स्पर्शी प्रतिबल, उनके कारण इन विकृतियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब तीन विकृति के भी प्रकार हैं तथा प्रतिबल के भी तीन प्रकार हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तथा शेयर करते रहिए, और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।